संदेशपुर नामक गांव में एक छोटू नाम का लड़का रहता था, जिसे एक दिन सपने में एक पेड़ के नीचे रहस्यमय पुरानी किताब दिखाई दी। सुबह उठते ही वह किताब की तलाश में लग गया। वह किताब उसे अपने घर के पास वाले पेड़ के नीचे मिली। उसने वहां से वह अजीब सी किताब निकाली, जिसका कवर चमकीला था। किताब खोलते ही उसे कुछ अजीब का महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसको कह रहा है, आओ तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएं। इससे पहले छोटू कुछ समझ पाता, वह एक अजीब सी जगह पर था। अचानक एक विचित्र सा बच्चा छोटू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस बच्चे के साथ शेर, चीता, भालू, लोमड़ी जैसे खूंखार जानवर और कई छोटे पशु पक्षी जैसे सांप, चिड़िया, मोर, तोता, बाज, कुत्ता, हिरन बच्चे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। छोटू ये दृश्य देखकर बहुत अचंभित हुआ और उससे ये सीखा कि हर जानवर, छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण होता है और सब में कुछ न कुछ खास बात होती है। लेकिन जैसे ही छोटू आगे बढ़ता है तो देखता है कि कुछ बड़े जानवर छोटे जानवरों को तंग कर रहे हैं। उसके दोस्तों से ये देखा न गया और उन्होंने छोटे जानवरों की मदद करने का फैसला लिया। छोटू और उसके दोस्तों ने एक टीम बनाकर शैतान जानवरों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह दम दबाकर वहां से भाग गए। अब सब वहां पर मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। छोटू ने ये सिखा कि जब हम मिलकर एक साथ रहते हैं तो हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है।